हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टू मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11, जिसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो कौन सी लाइन थी? तो एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन और एक थी स्लैंटिंग लाइन। तो कौन सी लाइन होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है स्टैंडिंग लाइन। कौन सी है? स्टैंडिंग लाइन। ये है स्लीपिंग लाइन, ये सो गई हुआ इस तरह से, और ये है स्लैंटिंग लाइन जो क्रॉस है। इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है, जिसको हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। और दूसरी जो है कर्व लाइन बोलते हैं हम, जिसको कर्व लाइन, जो इस तरह से कर्व होती है। तो ये जो फोर लाइन्स है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि इसके यूज से हम बहुत सारे पिक्चर्स बना सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम ये लाइंस का यूज करके कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जो हमारे वर्कबुक है, वर्कबुक में देखो तो आपको ऑलरेडी पेज नंबर 120 में अंडरस्टैंड करके वहाँ पे फॉल लाइंस के पिक्चर्स एंड उनके नेम्स, उनको और दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है वो भी है। जैसे कि स्टैंडिंग लाइन है, उसको वर्टिकल लाइन करीब मतलब उससे भी वो जाना जाता है। फिर स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है, स्लैंटिंग लाइन को तो स्लैंटिंग लाइन ही कहा जाता है, और कर्व लाइन को कर्व ही कहा जाता है। यहाँ पे टू एस डायरेक्शन के हिसाब से एग्जांपल दिया है हमें, जैसे बोला है उस तरह से हमें करना है। तो ड्रॉ विथ हैंड थ्री लाइन, तो आपको क्या करना है, थ्री लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि स्टैंडिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग, स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, स्लैंडिंग स्लैंडिंग स्लैंडिंग, ओके। उसी तरह से सेकंड है ड्रॉ विथ अ स्केल थ्री थ्री लाइंस। अब स्केल से आपको थ्री थ्री लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास भी एक स्केल है, मैं ये स्केल की ओर से थ्री थ्री लाइन ड्रो करता हूँ, जैसे कि वहाँ पे इस तरह से जो लाइंस दिए वो वाले लाइंस बनानी है। नेक्स्ट उसके बाद है कि कंपास बॉक्स से हमें लाइंस बनानी है। जो कंपास बॉक्स होता है हमारा, किसी के पास राउंड कंपास बॉक्स होगा तो उससे लाइन नहीं बनेगी, लेकिन जिसके पास स्ट्रेट वाला होगा उससे लाइन बनेगी। उसके बाद है ड्रॉ विथ द एफ ऑफ आवर नोटबुक। जो नोटबुक की हमारी ये एंड होती है, मतलब उसकी जो धार होती है उसके, जैसे कि ये मेरी नोटबुक नहीं है लेकिन क्या है, मेरी वर्कबुक है, तो वर्कबुक के हिसाब से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आपको भी आपकी जो वर्कबुक होती है टेक्स्ट बुक उसकी ऐसे रखना है, देखो ये उसकी है, ये भी क्या होता है स्ट्रेट लाइन भी होती है, तो इसके हिसाब से इस साइड से भी कर सकते हैं। सारी लाइन कैसे आती है, स्ट्रेट ही आती है, क्योंकि ये पूरा हमारी जो वर्क है वो पूरी रेड एंगल में है, इसलिए। तो आप भी अपने पास नोटबुक हो, टेक्स्ट बुक हो या वर्क बुक, उसके हिसाब से आप इसको भी ड्रो स्ट्रेट लाइन ड्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का
क्वेश्चन है जो हमने अभी फिनिश किया। अब पेज नंबर 121 पे देखो तो ड्रॉ द कर्व लाइन, जो हमने टेक्स्ट बुक में हमारे नोट थे उसके हिसाब से यहाँ पे भी कर्व लाइन हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे मैं वो पूरा बोर्ड बनाता हूँ फिर हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से बॉर्ड है, इसमें हमें कर्व लाइन ड्रॉ करके जिसमें ऐसे भी कर सकता हूँ, 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 फिर मुझे पूरा ऐसे भी कर सकता हूँ। ये सारी मैंने कर्व लाइन ड्रॉ किए, तो आपको भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके नीचे थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है ड्रॉ द कर्व, कर्व तो विद द हेल्प ऑफ द ग्लास, तो आपको ग्लास रखना है और उसके हिसाब से उसकी कर्व लाइन बननी है। फिर विद द हेल्प ऑफ द बाउल, जो हमारा छोटा सा बाउल होता है वो रख के हमें उसकी जो पूरी बॉर्डर है वो हमें ड्रॉ करनी है। विद द हेल्प ऑफ द बैंगल, जो हमारी बैंगल होती है जो आपकी बहन या मॉम जो पहनती है उसको निकाल के यहाँ पे थोड़ी सी कर्व लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो ये सारी चीजें आपको करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको अपने घर से मिल जाएगी, इसीलिए आपको यहाँ पे वो सारी चीजें ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे देखो जैसे हमारी पैटर्न थी उसके हिसाब से यहाँ पे मतलब दिया है, तो ड्रो द कर्व मतलब जो कर्व जो लाइन है वो हमें ड्रो करनी है। जैसे कि यहाँ पे यू यू बना के दिया तो हमें भी उसके साथ ऐसे फिर उल्टा यू है तो उल्टा यू, फिर सी 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 इस तरह से जो भी है सेम टू सेम वैसा का वैसा हमें उस साइड बनाना है। तो ये आप अपनी तरीके से घर पे भी कर सकते हो और अच्छे से, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, जैसे लाइन है वैसे ही हमें आगे चल के रहना है। ये जो सारे हाफ हार्ड है ई है ये सारी जो चीज़ें उस सारी चीज़ों को हमें करें। अब देखो ड्रो द पिक्चर यूजिंग द कर्व, ड्रो द थ्री टाइम्स, आपको जो पिक्चर्स दिए उसको कर्व लाइन की यूज करके थ्री टाइम्स ड्रो करना है। यहाँ पे देखो सारे सारे फेस भी आपको ड्रो करना है, क्योंकि इसी का फेस स्क्वायर होता है ना, रेड एंगल नो ट्राइंगल नो मतलब राउंड में या सर्कल में, जैसे कि यहाँ पे एक फेस आपको इस तरह से दिया है जो स्माइल कर रहा है। इस तरह से है कि नहीं, अब आपको क्या करना है उसके पास में भी दूसरा इस तरह से हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे ऐसे ऐसे ड्रो करते जाना है। ये मैंने वाला नहीं था, ये एक्स्ट्रा 3 मिनट का करने के ड्रो करने जो मैंने ड्रो किया। ओके तो इस तरह से भी हम ड्रो कर सकते हैं। इस तरह से बाकी की जितनी भी फेस है वो आपको अपनी तरीके से धीरे धीरे टाइम लेके, अगर वो सर्कल अच्छे से नहीं आता है तो आप वाटर बैग का जो ऊपर की कैप होती है वो भी आप यूज करके वो राउंड बना सकते हो। देखो ये सारे फेस है, एक सैड फेस है, ये वाला सारे फेस
नेक्स्ट तो ड्रो द डांसिंग पिक्चर यूजिंग द लाइन एंड कर्व्स, जो हमारी कर्व लाइन होती है वो और लाइन्स यूज करके हमें जो डांसिंग पोजीशन है वो हमें ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम सारी पोजीशन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन है जैसे लिए, उसके नीचे भी बाकी का बॉक्स लिखो ब्लैंक है तो वहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं ऊपर वाला ड्रॉ नहीं करता, उसको देख के सीधा ड्रॉ करता हूँ। तो कैसे ड्रॉ करूँगी आप, पहले उसका फेस बनाओ, क्या बनाओगे फेस, फिर ऐसे ये सारे दोनों उसकी हैंड है, वो वैसे खड़ी है इस तरह से खड़ी है, तो आपको भी पता है तो वो किस तरह से खड़ी है। नेक्स्ट उसके पास में और एक है, तो किस तरह से दिया है वो भी देखो, उसका भी पहले हम क्या करेंगे, साइड वाले को फेस ड्रॉ करेंगे, देख सकते हो इस तरह से वो हमें, तो आप भी मेरी तरह से आप भी अब पोजीशन के साथ कर सकते हो, पहले हमें खड़े होकर वो पोजीशन करनी है फिर वो ड्रॉ करना है। उसके बाद थर्ड वाली है, किस तरह से लिए ओ ऐसे ऐसे हम करते ना, वो इस तरह से करके खड़ी है। उसके बाद फोर्थ नंबर की है, देखो उसमें उसका जो हैंड है वो कर्व में है, ऐसे करके वो खड़ी है इस मतलब वो हैंड और क्या बोलो इस तरह से कर्व फेस लैंडिंग स्टैंडिंग सेटिंग। जो सारी की सारी लाइन है वो यूज करके वो सारे के सारे डांस के पोज बना दिए। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद जो पीछे पेज है पेज नंबर 125 पे ड्रो द पिक्चर यूजिंग द लाइन एंड कर्व्स, हमें पिक्चर जो दी है वो ड्रो करने है, स्लैंडिंग स्लिपिंग स्टैंडिंग लाइन यूज करनी और कर्व लाइन यूज करके हमें वो वाले पिक्चर ड्रो करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो क्या है सबसे पहले हमें ग्लास दिया है, क्या दिया है ग्लास, वन ग्लास ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, चलो मैं ये यहाँ पे कौन सी लाइन यूज करता हूँ वो देखिए, सबसे पहले मैं देखो ये मैंने दो स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन और ये ग्लास रेडी है। उसके बाद है बाउल, बाउल के लिए मुझे ये भी कर्व लाइन ये भी कर्व लाइन और ये भी कर्व लाइन, देखो ये मेरा बाउल रेडी है, तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर। अब देखो उसके बाद है क्लॉक, क्लॉक के लिए हमें पहले
बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें देखो यहाँ पे जो 12, 9, 6 and 3 फिर उसके बाद वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे देखो स्टैंडिंग लाइन में जो एक कांटा है और एक स्लेंटिंग लाइन दिया है। इसके बाद यहाँ पे भी देखो एक ग्लास है जो फैंसी ग्लास है वो वाला ड्रॉ किया है। तो उसके लिए इसने क्या किया पहले पर थोड़ी सी स्लेंटिंग लाइन, उसके बाद उसकी भी कर वाला है स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से तो आपको भी मेरे साथ जो मैंने जो किया वैसे पिक्चर आपको भी आपकी जो वर्कबुक है उसमें वहाँ जो पिक्चर दिया है उसके नीचे पिक्चर जो में ड्रो करना है। अब देखते हैं यहाँ पे भी कुछ हमें और भी पिक्चर दिए, जैसे कि आगे देखो एक सर्कल में है उसमें डिजाइन दिए वहाँ पे स्टैंडिंग स्लीपिंग स्लैंटिंग सारी लाइन यूज किए, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ। उसके सेंटर में एक छोटा सा सर्कल और ड्रॉ करता हूँ, फिर स्केल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो आप मैंने मिडिल वाला सर्कल क्या किया, मैंने स्टैंडिंग में क्या की स्टैंडिंग में स्लीपिंग लाइन। अब यहाँ पे भी स्लेंटिंग लाइन क्या करूँगा मैं स्लेंटिंग लाइन, स्लीपिंग स्लैंडिंग करके के भी मैंने क्या किया ये मस्त अच्छे से ग्रो बनाया। यहाँ पे भी वन लाइन कर सकता हूँ मैं अगर ये कर दिया तो, इस तरह से हम सर्कल में भी डिजाइन कर सकते हैं। देखो हेक्सागोनल दिया है, हेक्सागोनल ड्रॉ करने के लिए भी क्या चाहिए, स्केल से भी आप कर सकते हो। क्या करना है आपको ऐसे इसके सामने इस तरह से लाइन करनी है, ओके, फिर एक यहाँ पे ऐसे ये हेक्सागोनल रेडी हो गया। उसके बीच में क्या करना है सर, देखो यहाँ कर्व लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन यूज की मैंने, स्लीपिंग लाइन यूज की नहीं। उसके बाद एक बहुत अच्छी अभी डिजाइन दी है जहाँ पे दो स्लैंटिंग लाइन है और वन स्टैंडिंग लाइन है। तो जो जो हमारी है वहां पे हम जड़ेंगे, हो गए अच्छे से डिजाइन।
आपको भी इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। उसके बाद देखो तो आप एक बर्ड दिया है आपको, वो बर्ड है तो बर्ड को किस तरह से बनाया है, पहले एक सर्कल, एक स्लेंटिंग लाइन, एक कर्व लाइन, एक ट्रायंगल बनाया है, जो स्लेंटिंग लाइन इस तरह से बर्ड बनाया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पिक्चर है वो है का, तो ये वाला पिक्चर तो आपको आता ही है, तो ये वाला पिक्चर आपको क्या करना है, अपने आप ड्रॉ करना है। और फिर आप ये मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है A to Z नंबर्स हुए उसके बारे में, उसके बाद बहुत सारे जो पिक्चर ड्रॉ करने वो हम करेंगे और थोड़ा एडवांस में भी सीखेंगे। थैंक यू।